नमस्कार दोस्तों एक और इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ इस वीडियो में हम जानेंगे अगर हम अपने एस एस ओ पोर्टल के पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको रिसेट कैसे कर करते हैं और उसकी आईडी भूल गए हैं तो उसे प्राप्त कैसे करते हैं इसके लिए आपको सर्च बार में जाकर एस एस ओ आई डी सर्च करना होगा इसको सर्च करने के पश्चात पहली ही साइट आती है एस एस ओ डॉट जी ओ वी डॉट इन इस साइट पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दे रखे हैं लॉगिन के और रजिस्ट्रेशन के जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है कर्मचारियों का सभी का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका होगा फिर भी नहीं हुआ है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी लॉगिन करने के लिए आपको अपनी आईडी डालनी होती है जो आर जे से शुरू होती है फिर पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा भरना होता है और उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आप वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे और आप अपना कार्य कर सकते हैं इस संबंध में विस्तार से वीडियो मैंने बना रखा है आप वीडियो में जाकर मेरे चैनल के आसानी से वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर हम अपनी एस एस भूल जाते हैं और अपने पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रीसेट करने के लिए दोबारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी इसके लिए आप देख सकते हैं बॉक्स में लिखा हुआ है आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी एस एस सो आई डी क्लिक हेयर अगर हम अपनी एस एस आई डी भूल गए हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे क्लिक करना होगा जहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है दोनों को ही हम क्रम से समझते हैं पहले हम एस एस आई डी के लिए क्लिक करते हैं एस एस आई डी पर क्लिक करने के पश्चात दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं आपको एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे होंगे कि कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये साइट अक्सर बिजी चलती है इतन, इसका कार्य इतना अच्छा नहीं हो पाता तो आप इसके लिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम नीचे आप देख पाएंगे इसको आप मोबाइल के मैसेज के थ्रू भी आप अपने एस एस को प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है टू रिकवर द एस एस यू कैन सेंड एस एम एस टू नाइन डबल टू थ्री वन डबल सिक्स वन डबल सिक्स अपने एस एस को रिकवर करने के लिए आपको एक मैसेज भेजना पड़ेगा उस मैसेज में आपको क्या टाइप करना है आर जे एस एस ओ ध्यान रखना दोस्तों आर जे के बाद आपको स्पेस देना है फिर एस एस ओ लिखना है सभी जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल्स में होंगे और आपको सेंड कर देना है इसको नाइन डबल टू थ्री वन डबल सिक्स वन डबल सिक्स पर ये सेंड करने के पश्चात कुछ ही समय में आपको अपनी एस एस ओ आई डी मोबाइल के मैसेज के थ्रू प्राप्त हो जाएगी इसमें एक ध्या एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों आप जिस मोबाइल नंबर से मैसेज कर रहे हैं वही नंबर इस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर आप अन्य नंबर से मैसेज करेंगे तो आपको आपकी एस एस का मैसेज प्राप्त नहीं होगा तो इस, इस प्रकार आप एस एस प्राप्त कर सकते हैं अब हम फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड में बहुत सारे ऑप्शन के द्वारा आप अपने पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी आईडी भरनी होती है आईडी प्राप्त करने का तरीका मैंने बता दिया हो सकता है आपके पास पहले भी हो आईडी भरने के बाद में या फिर आप यहाँ पर अपना ईमेल भी जो इससे लिंक है आप भर सकते हो इसके पश्चात आप नीचे देखेंगे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे मोबाइल ईमेल और आधार अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं मोबाइल पे क्लिक करेंगे ईमेल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो ईमेल और आधार से अगर आप पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो आधार नंबर डालेंगे नीचे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आए हैं क्योंकि यहाँ पर मोबाइल पर क्लिक है अगर ई पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ई भरना होगा और आधार पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर भरने होंगे इसके बाद आपको नीचे कैप्चा भरना है और सबमिट कर देना है इसके पश्चात कुछ समय बाद आपको मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हो जाएगा आपको नए पासवर्ड मिल जाएंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि यह साइट थोड़ा स्लो कार्य करती है काफ़ी दिक्कतें आती हैं इसमें कार्य करने के लिए तो आप ये प्रयास कर सकते हैं अगर ऐसे नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन वही मैसेज वाला आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से आपको मैसेज भेजना है रिसेट पासवर्ड के लिए वो मैसेज होगा कैपिटल लेटर्स में आर जे फिर स्पेस देना है एस एस ओ फिर स्पेस देना है और फिर लिखना है कैपिटल लेटर्स में पासवर्ड और इसको उन्हीं नंबरों पर नाइन डबल टू थ्री वन डबल सिक्स वन डबल सिक्स पर आपको भेज देना है वहीं ध्यान देने वाली बात है दोस्तों आपको यह मैसेज अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही भेजने हैं अन्यथा आपको अपने पासवर्ड प्राप्त नहीं होंगे और इसको भेजने के बाद में कुछ समय बाद में आपको अपने पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे अगर नहीं होते हैं किसी कारणवश तो आप इसी प्रक्रिया को कुछ समय बाद दोबारा दोहरा सकते हैं थोड़े से प्रयास के बाद में आपको सफलता मिल जाएगी आपको अपने एस एस ओ आई डी और पासवर्ड दोनों प्राप्त हो जाएंगे इसको प्राप्त करने के बाद में आप जब आप साइट में लॉगिन होंगे तो आप एन की डिटेल्स एस SI की डिटेल्स आपकी व्यक्तिगत प्रोफाइल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एस SI नंबर ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में जो वीडियो बना रखा है डिटेल से आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा और विद्यालय से संबंधित जितने भी कार्य हैं ऑनलाइन और ऑफ़लाइन सभी के संबंध में मैं वीडियो बनाऊँगा तो जो नए शिक्षक साथी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चैनल है और पुराने साथियों के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है वीडियो को इसी के साथ ख़त्म करते हैं धन्यवाद